औद्योगिक थाना क्षेत्र की नवविवाहिता की संदेहास्पद स्थिति में मौत। मृतका के पिता ने लगाया हत्या का आरोप, पुलिस जुड़ी शिनाख्त में। भागलपुर के औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर में नवविवाहिता वर्षा कुमारी का शव उसके ससुराल में मिला है, जिसके बाद मृतका के पिता सहित अन्य परिजन मौके पर पहुंचे, जहां वर्षा का शव पलंग पर पड़ा हुआ था। उसके गले पर काले दाग का निशान था और हाथ में चाकू, जिसके बाद परिजनों ने औद्योगिक थाना प्रक्षेत्र पुलिस को घटना की सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा सबको कब्जे में लेकर थाने पर ले गई। वहीं मृतका के पिता और परिजन का आरोप है कि पति, ससुर, ननद और भगना के द्वारा उनकी बेटी की हत्या की गई है। पिता का कहना है कि 25 जनवरी 2022 को उन्होंने अपनी बेटी वर्षा कुमारी की शादी अम्बेडकर नगर 0 माइल के रहने वाले वासुदेव पासवान के पुत्र संदीप राज के साथ की थी। पिता के द्वारा बेटी की शादी में दहेज भी दिया गया था, लेकिन शादी के बाद से लड़का 4 लाख रुपया और 1 लाख रुपये का मोबाइल मांग रहा था। वहीं इस मांग के कारण दामाद ना तो बेटी को मायके जाने देता था और ना ही मायके वालों को अपने घर आने देता था। फोन पर बात करने पर भी पति के द्वारा अक्सर वर्षा की पिटाई की जाती थी। वहीं आज देर शाम मृतका के पति ने ससुर को फोन कर वर्षा की मौत की सूचना दे दी, जिसके बाद वे लोग पहुंचे, जहां पलंग पर उनकी बेटी मृत अवस्था में लेटी हुई थी। वहीं मृतका के पिता और परिजन इंसाफ की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने मृतका के पति संदीप राज और ननद को हिरासत में ले लिया है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले की सच्चाई सामने आएगी कि क्या यह हत्या है या सुसाइड। अभी पुलिस दोनों मामलों पर छानबीन कर रही है। भागलपुर से बालमुकुंद कुमार की रिपोर्ट। सर, शादीशुदा महिला है, 0 माइल की घटना है ये, और ये पुलिस को सूचना मिली थी कि एक लड़की को जो शादीशुदा है उसकी लाश मतलब बरामद हुई है, या तो फांसी लगा लिया गया है या फिर उसको किसी ने जानबूझ के फांसी लगा के लटका दिया गया है। तो तुरंत पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए 0 माइल की थाना वहाँ पहुँची है, और जैसा बताया गया, जिस तरह का शिकायत किया गया, उसी हिसाब से उसके हस्बैंड को और उसकी बहन को, ननद है, उसको लाया गया है। बाकी जांच चल रहा है, जो भी मेडिकल रिपोर्ट आएगा उसी हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी प्रथम दृष्टया 304B का केस नजर आ रहा है, उसी दिशा में काम हो रहा है, और जैसे और तथ्य आएंगे, मेडिकल रिपोर्ट आएगा, फिर आगे कार्रवाई होगी। तो दो की गिरफ्तारी हुई सर? दो को लाया गया है, वही जाँच चल रहा है, पूछताछ चल रहा है, अगर पुष्टि हो जाएगी तो उसकी गिरफ्तारी करके उसको जेल भेज दिया जाएगा। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ था, कब हुई थी बेटी की शादी का क्या घटना हुआ? बेटी का शादी सर 25 जनवरी 2023 को हुआ था, और मैं अपनी बेटी को दहेज भी दिया था। दहेज के कारण जो है 5 लाख रुपया मांग रहा था कि और दो, संदीप और उसकी ननद। संदीप कौन है? संदीप सर वर्षा का हस्बैंड है, मेरा दामाद है सर, जो बार बार पैसा का मांग कर रहा था, लेकिन पैसा नहीं देने के कारण मेरी बेटी को ना मेरे यहाँ आने देता था और ना हम लोग को जाने देता था। अगर तुम्हारा बाप माए मेरे दरवाजे पर नहीं चढ़ सकता है, देरी पर नहीं चढ़ सकता है, ये ज्योति का कहना था, और बोला कि 5 लाख रुपया जब तक नहीं देगा तुम्हारा बाप मेरे दरवाजे पर नहीं आवेगा, नहीं चढ़ेगा। सर हम गरीब आदमी हैं, हम बेटी का दहेज पहले भी 7 लाख रुपया खर्चा करके सर बेटी का शादी धूमधाम से, बड़ी धूमधाम से किए हैं, और दहेज भी दिए थे, फिर भी दहेज पर दहेज मांगते जा रहा था सर। हम गरीब, सोना का चैन, अंगूठी, सब चीज़ दिए हैं उसको, पलंग, अलमारी, सब दिए हैं, लेकिन फिर भी मेरी बेटी को दहेज के कारण सर हम बेटी मेरी बेटी को मार दिया। आज क्या हुआ? आज सर आज सर जब हम खाना खाने के लिए बैठे थे, संदीप बोला कि तुम्हारी दोनों जीव आइए, तो बोला क्या बात है, क्या बात है, तो वर्षा इस दुनिया में नहीं रहा, इतने टा बात बोला। हाँ करीबन वही 7-7:15 के बीच में सर, तो हम लोग अपना परिवार के साथ गए, देखते हैं वर्षा वहाँ नीचे जो है बेड पर लेटी हुई है, मरी हुई है। क्या लगता है आपको? हमको लगता है सर वो लोग जान मार करके लेटा दिया गया है सर। कौन कौन? ज्योति और संदीप, उसका भैगना सर छोटा है लेकिन बहुत बिसी है वो, और उसके बाद सर उसका जो है एक भाई है सोनू, वो एक उसका बाप जो है, क्या नाम है, ऑल फैमिली सर, यानी उस वासुदेव पासवान सर, उसका फादर का नाम है, सब मिलके साजिश के तहत मेरी बेटी को
गला दाब के हत्या का रूप दिया है, हत्या किया है। आप लोग को ये टॉर्चर करता था तो केस उसने किए थे आप लोग? नहीं सर, केस टॉर्चर किया था, पति ही नहीं चलने देता था सर, लेकिन मेरी बेटी को बार बार टॉर्चर, ना मेरी बेटी से एक बात था सर, कभी कभी मेरी बेटी बात करती थी उस पर भी वो टॉर्चर करते थे, धमकी देता था कि तू तू दुल्हा खोजो, यही बात बोलता था। अरुण पासवान सर, वर्षा कुमारी, गोपालपुर का सर। कहाँ शादी किए थे बेटी का? बेटी का 0 माइल सर अम्बेडकर नगर में शादी किए हैं। पति का नाम था संजीव राज। 25 तारीख को किए, जनवरी में किए थे। कितना खुशी था? हमको तो बहुत खुशी था, लेकिन वो लोग को खुशी नहीं था। क्या करता था लड़का? लड़का कुछ नहीं करता था, लड़का बाप का कमाई पे पलता था। आज क्या पता चला? आज कुछ पता नहीं चला, सिर्फ वही बोला कि आप लोग आइए, वर्षा खत्म हो गई है। तब हम लोग सबको फोन किया और अपना रोना धोना किया, बस यहाँ आके अपना हम देखे वर्षा बेड पे अथी हुआ, चाकू था हाथ में, घुलटी हुई थी। चाकू भी था? हाथ में चाकू भी था सर। और रोज कहता था कि तुम माँ के यहाँ जाकर के 5 लाख रुपया लेके आओ, नहीं तो तुमको मारेंगे। बाप माँ को दरी चढ़ने नहीं देंगे हम, पैसा लेके आएगा तब तुमको चढ़ने देंगे। 1 लाख का मोबाइल सर मांग रहा था वो, कि 1 लाख का तुमको मोबाइल दिलवा अपना बाप माँ से, लेकिन वो नहीं जाती थी कि हम कैसे, मेरा माँ बाप इतना कर्जा करके शादी किया और हम कैसे, हम 1 लाख का मोबाइल मांगेंगे और 5 लाख रुपया मांगेंगे। यही सर बात है और कोई बात नहीं है। मार दिया है? हाँ सर मार दिया है। कौन कौन? कौन मारा? उसका ससुर मारा है, उसका बेटी मारा है, उसका दुल्हा मारा है, उसका भगना मारा है, उसका देवर मारा है, सब मिल के मारा है सर। अभी भी देख सकते हो गला में दाग है। शादी के बाद आई थी घर के? एक सावन भादो करने के लिए, सावन भादो जब आई थी तो एक दिन दुल्हा नहीं टपा, जब 10वें के दिन हम उसको बोले कि ले जाइए नंगा दीजिए, तो बोला हमको नहीं लाना है। फिर क्या हो गया, पैसा देगी तब जा करके हम लाएंगे। तब फिर जो अगवा था वो बोला क्या क्या बोला, तब फिर 10 बजे रात में उठा के यहाँ से ले गया उसको। आप लोग जाते थे कभी? कभी हाँ, एक बार गए थे। वही जो गए बोला नहीं मम्मी को मना करो, जब तक 5 लाख रुपया नहीं लेके आएगी और 1 लाख का मोबाइल तब तक दरवाजा पर नहीं चढ़ेगी, यही वो लोग कहता था। कर दिया? हत्या कर दिया है सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मीना देवी हुआ। शादी के तो उसमें कितना दाग दिए थे? उसमें भी 4 लाख दिए थे, 4 लाख का सामान दिए थे, सोना दिए थे, गला में, हाथ में, वाशिंग मशीन, फ्रिज, गोदरेज, 50,000 का पलंग, कोई चीज का सर कमी नहीं दिए थे। उतने भोज भंडारा सब कुछ एकदम किए थे, हम पूरा से किए थे कि ये नहीं लगे उसको कि हम गरीब घर में शादी किए हैं। अभी तक कर्जा नहीं टूटा? अभी तो सर सबसे पूछ सकते हैं कि कर्जा नहीं टूटा है मेरा, पूरा समाज से पूछ सकते हैं। उसके जगह पे इसका नौकरी होगा? हाँ नौकरी होगा, लेकिन कहीं कुछ नहीं ऐसा हुआ है। क्या बोले सर? मीना देवी नौकरी में था सर। के वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ की टीम अब आपके शहर बेगूसराय में। अमर ज्योति हॉस्पिटल, जहां इमरजेंसी सुविधा, आईसीयू, एचडीयू, ओटी, डायलिसिस फैसिलिटी उपलब्ध है। हमारा पता है अनुष्का, ITI NH 31, सुशील नगर, बेगूसराय।